अयोध्या की जिसे यहाँ जनता भयभीत ना हो इसके लिए भी क्या आपने ध्यान दिया है? देखिए, एक एलेबोरेट प्लान बनाया गया है, डिप्लॉयमेंट का प्लान बनाया गया है। उसमें सभी हमारे चौकी प्रभारी वगैरह हैं, उनको भी 4 व्हीलर्स दिए जा रहे हैं और भी सारी तैयारियां की जा रही हैं। इसमें रूट मार्चेस की भी पूरी स्कीम बनाई गई है जनता से संवाद बनाने के लिए। इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हमारे द्वारा काफ़ी कुछ किया जा रहा है। ऑलरेडी 500 के ऊपर जन चौपालें हम लोग कर चुके हैं और हमारा टारगेट है कि सभी गाँवों को हम जन चौपालों से कवर करें, तो जनता और उनके बीच में संवाद भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो विभिन्न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लीडर्स हैं उन सभी से भी मीटिंग की गई है, पीस कमेटी मीटिंग्स भी की गई हैं। सभी लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, उनको हमारे नंबर भी दिए गए हैं। जनपद में 4 महीने पहले 18,000 जगहों पर वॉल पेंटिंग करके पुलिस के नंबर लिखवाए गए थे, जिससे हमारी जो प्रेजेंस है वो हर गाँव में रहे। और एक इंटरेस्टिंग जो काम किया गया, जैसे हमारे DGP साहब ने एक सी प्लान ऐप लॉन्च किया है, उसमें 16,000 लोग जो हैं वो फीड किए गए हैं। 1,600 गांव हमारे यहाँ टोटल, तो प्रत्येक गांव में 10-10 लोग जो हैं वो उनको रखा गया उस ऐप में, और इन केस कहीं कोई सूचना आती है हमारे पास में तो इमीडिएटली हम उनसे बात कर सकते हैं, उन पुलिस मित्रों की सहायता ले सकते हैं। इसमें प्रधान, पूर्व प्रधान, लेखपाल, कोटेदार, विभिन्न टाइप के जो सरकारी अफसर्स उस गांव में रहते हैं उन सभी के नंबर फीड हैं। इसके अलावा विभिन्न धर्मों के लोगों के भी नंबर उसमें फीड हैं, सो दैट कि हमारा एक एलेबोरेट इंटेलिजेंस नेटवर्क है। एक इसमें एक चीज़ हम और ये भी करते हैं कि हमारे जो बीट सिपाही हैं वो प्रतिदिन इन लोगों से बात करते हैं। रोज सुबह हमारे पास एक ईमेल आ जाता है कि किस गाँव में कॉल नहीं हुई है, तो एक वृहद इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही डिप्लॉयमेंट भी हमने मोबाइल रखने की कोशिश की है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम उसमें तुरंत पहुंच सके। UP 100 को भी हमने एक्टिवेट